पर्यावरण को बचाने के लिए इतिहास में बहुत से आंदोलन हुए हैं। ऐसा ही एक आंदोलन सन 1974 में उत्तराखंड के रैणी गांव में भी हुआ था, जिसमें महिलाओं ने सबसे अहम भूमिकाएं निभाई थी। तो आइए नजर डालते हैं ऐसे ही एक ऐतिहासिक दिन की साधारण सी शुरुआत पर। गांव की हर महिला के समान सूर्योदय से पूर्व ही गौरा देवी उठ जाती है और गधेरे से पानी भरने जाने के लिए तैयार होने लगती है। कमर पर पागड़ बांध और सर पर परांदा डालकर तैयार हो जाती है, और जब वह रसोई से गागर लेकर निकल पड़ती है तो रस्ते से गुजरते हुए उन्हें नदी में बहुत सारी लकड़ियां देख अचरज सा महसूस होता है। पानी भरते हुए कुछ औरतों के बीच की बातचीत से पता चलता है कि पड़ोस के गांव में पेड़ कट रहे हैं। यह सुनकर गौरा को बहुत दुख पहुंचता है। घर आई तो गागर रखकर क्षण भर आराम किए बिना वह लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ी। जब वापस आई तो काफी थक भी चुकी थी। प्रातः भोजन का समय भी हो चला था, तो गौरा चटनी पीसने हेतु सिलबट्टा ले आई और चटनी पीसने लगी। इतने में एक छोटी बच्ची चिंतित स्वर में गौरा देवी को बताती है कि कुछ लोग गांव के जंगल में पेड़ काटने के लिए आए हुए हैं। यह सुनकर गौरा आग बबूला उठी और सभी औरतों को जंगल में फौरन इकट्ठा होने को कहा। जंगल पहुंचे तो पता चला कि गांव के आदमियों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए गुस्से में बैठा कॉन्ट्रैक्टर जूनियर ऑफिसर को जल्द से जल्द पेड़ काटने का आदेश दे रहा है, जिसके विरोध में गौरा समेत गांव की सभी औरतें पेड़ के चारों ओर घेरा बनाकर उनसे चिपक गई। यह विरोध काफी समय तक चलता रहा, किंतु महिलाएं टस से मस न हुई, ना ही उनकी धमकियों और ना ही बंदूक की नोक से उनका मनोबल डगमगाया। अंततः गौरा देवी के इस साहसी कदम ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया।